अब आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का। हिमाचल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ओपी चौधरी ने हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। पत्रकारों से बातचीत में ओपी चौधरी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन कोरोना काल में एनपीए काफी बढ़ गया है। उन्होंने पदभार संभालने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं और एनपीए की सही रिपोर्ट तैयार कर दें, जिससे इसे कम करने के लिए कारगर योजना बनाई जा सके। ओपी चौधरी ने कहा कि कर्ज माफी के लिए भी योजना बनाई जाएगी, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समक्ष इस मामले को उठाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का कार्य पिछले 3 साल में काफी प्रभावित हुआ है। उनकी कोशिश होगी जल्द ही विभाग की कार्यप्रणाली में जल्द सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा चलाई गई जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि इसका लाभ उठा पाए और स्वरोजगार की अग्रसर हो सके। साल का पिछला जो काम है आपको 1 साल में करके दिखाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लंबित पड़े मामले हैं उनको मैं 1 साल में निपटा पाऊँ, क्योंकि हम रिपीट मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं ओबीसी समाज की भावनाओं की कदर करते हुए इस कॉरपोरेशन को मुख्यमंत्री के सहारे उनके नेतृत्व में इसको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, जितना मैं कर पाऊँगा। मैं समझता हूँ कि जो भी लंबित मामले पड़े हैं मैं उनका सबका निपटारा करा पाऊँ, जो जो समस्याएं हैं उन सबका हल करने की कोशिश करूँगा।